हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कमर्शियल यूनिट स्टडी किया था, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है कि कभी भी अगर हम वायर से करंट पास कराते हैं तो उसमें जो वायर होती है वो हीट अप होती है। अब अगर हमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें हाई रेजिस्टेंस वायर को लेना होगा, और जब हम हाई रेजिस्टेंस वायर से करंट को पास कराते हैं तो वो जो वायर होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट से हीट हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज़ हम बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें हम चाहते हैं कि जो करंट पास हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जनरेट करे, या फिर वाटर हीटर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जनरेट करे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं जिनका यूज़ हम करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट की, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ व्हेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ड थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर, एग्जाम्पल है वायर का जैसे नाइक्रोम वायर, देन द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ हीट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, कि जब हम नाइक्रोम वायर से, नाइक्रोम वायर क्या है, नाइक्रोम इज एन अलॉय, और अलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो एक्चुअल में दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि हमें अब ज़रूरत थी हीट की, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हाई रेजिस्टेंस वायर का यूज़ कर लिया। और नाइक्रोम वायर क्यों, तो नाइक्रोम वायर इसीलिए यूज़ किया जाता है हीटिंग एलिमेंट के तौर पर इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, बिकॉज ये जो हमारा एक काम तो ये है, क्योंकि हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत थी तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, दूसरा ये जल्दी बर्न नहीं करता है। अगर हम कोई और दूसरा मेटल लेते तो वो बर्न कर जाता, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न कर जाता, नाइक्रोम वायर जो है वो आसानी से बर्न भी नहीं करता है। यही रीज़न है कि हम लोग नाइक्रोम वायर का यूज़ हीटिंग एलिमेंट के तौर पर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर में जो स्प्रिंग लगी होती है वो किससे बनी होती है, वो नाइक्रोम से बनी होती है। और स्प्रिंग आपने देखा होगा, जब हम हीटर को स्टार्ट करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद जो स्प्रिंग होती है वो रेड हॉट हो जाती है, एकदम लाल हो जाती है, और उससे बहुत ज़्यादा हीट मिलती है जिससे हम अपना खाना वगैरह भी पका लेते हैं। तो एक्चुअल में यही हमारा, ये किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग का, हीट का प्रोड्यूस होना, और उसके लिए हमारी कंडीशन है कि हमें एक हाई रेजिस्टेंस वायर लेना पड़ेगा। अब अगर हीट एनर्जी कैलकुलेट करना हो कि कितना हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो उसको आप कुछ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी, तो ध्यान रखना है आपको, हम लोगों ने जितने फार्मूले पढ़े हैं एनर्जी तो नहीं आया, लेकिन हाँ वर्क डन जरूर आया था हमारे एक फार्मूले में। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वायर में हमारे पास V पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें करंट मूव कर रहा है या चार्ज मूव कर रहा है, तो वर्क डन कैसे, हम ये डेरिवेशन है इसका, एस वी नो, जैसा कि हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो एक्चुअल में हमें निकालना क्या है,
वर्क डन निकालना है, यही तो हमारा एनर्जी होगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट कैसी होती है, सेम होती है। तो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस या रजिस्टर के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज गिवन बाय दिस फार्मूला W इक्वल टू वी इंटू क्यू। अब हम लोगों ने दो फार्मूले और पढ़े थे, एक ओम्स लॉ, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट। एंड बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। जो भी हमारी टर्म्स है हम सभी को करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लेके आएंगे, क्योंकि करंट की वजह से हीटिंग जनरेट हो रही है और दूसरी कंडीशन है हाई रेजिस्टेंस वायर। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे गिवन है सबको हमें किसके टर्म्स में लेके आना है, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लेके आना है। तो V इक्वल टू आई आर, एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। एंड हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला भी पढ़ा था, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। दिस इज योर इक्वेशन 3। तो हम V और Q की वैल्यू पुट करने वाले हैं इक्वेशन 1 में। तो पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो देखिए वर्क डन विल बी इक्वल टू, V की जगह पर रख दिया आई आर और Q की जगह पर रख दिया आई टी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, और इसी को हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। तो कभी भी अगर हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैलकुलेट करना है कि कितना कंज्यूम हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग को पास तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ करंट हम पास करा रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना है, और कितने टाइम तक के लिए पास करा रहे हैं। उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इन सभी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, रेजिस्टेंस के और टेम्परेचर के। लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी चीज़ कौन सी होगी जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, देन इट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उसके स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे हमारी हीट एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन है फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग टंगस्टन से बनाते हैं। टंगस्टन से क्यों, क्योंकि वो देखिए अब बात आती है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। जैसे बल्ब के केस में हमें हीट ज़्यादा नहीं चाहिए थी, हमें क्या चाहिए था, लाइट। तो उसके लिए हमें जो सूटेबल सब्सटेंस मिला वो था टंगस्टन, जो क्या कर रहा था, हीट के साथ साथ लाइट ज़्यादा अमाउंट में जनरेट कर रहा था। और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी होती है कि वो लगभग 3300 या 3400 डिग्री सेल्सियस तक बर्न नहीं करता। जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद ही बर्न होता है। इसीलिए देखा होगा कि नॉर्मली जब पावर बहुत ज़्यादा आता था घरों में तभी हमारे बल्ब फ्यूज़ होते थे। ठीक है, तो इसीलिए टंगस्टन फिलामेंट का आ गया। दूसरा कि अगर हमें हीटर बनाना है तो उसके लिए जो कॉइल यूज़ करेंगे वो नाइक्रोम वायर का होगा। तो ये सभी इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, और इसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो थ्योरी वाइज तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और हमने थोड़ा सा स्किप किया था, उस टॉपिक को भी अभी कवर अप करते हैं कि घरों में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, घरों में जब हम लोग लाइट फिटिंग कराते हैं तो
उसमें किस टाइप के सर्किट का यूज़ करते हैं। तो हमने दो टाइप के सर्किट स्टडी किए थे, दो टाइप के कनेक्शंस या कॉम्बिनेशंस स्टडी किए थे, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। तो घरों में जनरली हाउस होल्ड सर्किट्स में अगर हम बात करेंगे हाउस होल्ड सर्किट की, तो हाउस होल्ड सर्किट्स में जनरली हम लोग पैरेलल कनेक्शन का यूज़ करते हैं। पैरेलल कनेक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, सीरीज़ में क्यों नहीं सभी चीज़ों को लगाया? तो देखिए, इसमें इसके बहुत सारे यूज़ेस हो सकते हैं, या कौन कौन से एडवांटेज हैं पैरेलल सर्किट का यूज़ करने का, वो देख लेते हैं, समझते हैं। पहला अगर हम देखें कि जब हम सीरीज़ में किसी चीज़ को लगाते हैं तो सीरीज़ में सभी चीज़ें कैसे एंड टू एंड कनेक्ट होती हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे बल्ब लगा देते, ऑल दीज आर इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अब अगर मान लीजिए कि ये बल्ब का जो फिलामेंट है ये बर्न कर जाता किसी भी कारण से, तो देखिए ये हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता, यहाँ से फिर आगे करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब अगर सीरीज़ में किसी चीज़ को हम कनेक्ट कराते, अपने पूरे हाउस होल्ड वायरिंग को सीरीज़ में रखते, तो फिर अगर कोई भी एक हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस डिफेक्टिव हो जाता तो पूरा सर्किट वर्क नहीं करता। लेकिन अगर यही चीज़ पैरेलल में लगी होती लीजिए, यहाँ से करंट आ रहा है, एंड सपोज ये वाला हमारा डिफेक्टिव हो जाता है, तब भी हमारा करंट इन दो पार्ट में चला जाएगा। तो ये पहला एडवांटेज है पैरेलल सर्किट का ओवर सीरीज सर्किट, कि अगर हमारा एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिफेक्टिव होता है देन सीरीज के केस में फुल सर्किट विल स्टॉप वर्किंग, बट इन पैरेलल इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन ए पर्टिकुलर अप्लायंस देन रेस्ट सर्किट विल या रिमेनिंग सर्किट विल वर्क एज सच, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। दूसरे एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो सीरीज सर्किट में हम अलग अलग स्विच नहीं लगा सकते, एक ही टाइम पे हम सभी अप्लायंसेस को या तो स्विच ऑन कर सकते हैं या फिर स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब मान लीजिए दो तीन रूम हैं हमारे पास और एक में कोई सोना चाहता है, दूसरे में कोई पढ़ना चाहता है, तो या तो लाइट को बंद कर सकते हैं या लाइट को ऑन कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर सीरीज़ में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो एक साथ स्विच ऑन होंगे, एक साथ स्विच ऑफ होंगे, तो ये भी हमारे पास फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन पैरेलल के केस में हम अलग अलग स्विच सभी के लिए लगा सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर अप्लायंस एट ए टाइम बंद होगा, बाकी अप्लायंस हमारे एज सच चलते रहेंगे। तीसरा और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम पैरेलल सर्किट का यूज़ करते हैं पैरेलल में कौन सी चीज़ सेम रहती है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता था। अब मान लीजिए जो हम पोटेंशियल जनरली घरों में आता है वो होता है 220 वोल्ट, तो हर एक अप्लायंस को पोटेंशियल कितना मिलता, 220 वोल्ट। यहाँ पे कोई दूसरे अप्लायंस भी हो सकते थे, बल्ब हो सकता था, फ़ैन हो सकता था, और हम जानते हैं सभी की एक पावर रेटिंग होती है कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस इतना पावर कंज्यूम करेगा। तो ये एक फ़ायदा है पैरेलल के केस में कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी को सेम मिलता है, लेकिन जब हम सीरीज़ में किसी चीज़ को कनेक्ट कराएंगे तो फिर वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी या फिर उससे कम हो जाएगी। तो एक्चुअल में जितनी रिक्वायर्ड हमारी पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो उनको नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आपका जो फंक्शनिंग होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का वो भी प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के, कि वाई वी प्रिफर
पैरेलल सर्किट ओवर सीरीज सर्किट। ओके, तो ये तो थ्योरी वाइज हमारा चैप्टर ओवर हो गया। हाँ, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड टॉपिक्स भी हम लोग इसमें पिक करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे आगे की क्लासेस में। थैंक यू।